नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के ये सवाल हैं कि मैम, होली में बड़कुले कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कितनी मालाएँ बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बड़कुला क्या होता है। तो ये होता है गाय के गोबर से बनाया जाता है और इसमें नारियल, पान, सुपारी, चांद, सूरज और ढाल, तलवार, रोटी, चूल्हा, चक्की, इस तरह के बहुत सारे खिलौने भी इसमें बनाए जाते हैं, जो कि गाय के गोबर से होना ज़रूरी है। अगर गाय का गोबर नहीं मिलता है तो आप भैंस के गोबर से भी बना सकते हैं, लेकिन गाय के गोबर का ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जब हम होलिका के साथ में इसको दहन करते हैं तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बनाकर हम होलिका माता को भेंट करते हैं। जैसे कि त्यौहार के टाइम हम बेटियों को कुछ चीज़ें भेंट करते हैं, उसी प्रकार हम सारी चीज़ें ये होलिका माता को भेंट करते हैं। और गोबर के बड़कुले का हम होली के साथ ही दहन करते हैं। और जब ये बड़कुले होलिका के साथ जलते हैं तो यह माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हो गई, यानी कि हम अपने अंदर की सारी बुराइयों का नाश कर देते हैं। जिस प्रकार होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। तो अब बात आती है कि ढाल बड़कुले हम कब बनाना स्टार्ट करें। सभी के यहाँ ढाल बड़कुले बनाने का अलग अलग रिवाज होता है और अलग अलग दिन बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के यहाँ शिवरात्रि से बनाना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लोगों के यहाँ फुलेरा द्वितीया से बनाना शुरू करते हैं, लेकिन आप फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पड़वा यानी कि प्रतिपदा से होलिकास्ट तक आप कभी भी बना सकते हैं। होलिकास्ट के बाद माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो मैं बताती हूँ आपको कि ये बनाना कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्श को अच्छे से साफ कर लेंगे और उसको जो है गेरू से लीप देंगे और फिर उसको चौक से पूर लेंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, केवल ना ज़्यादा रंगोली या कुछ बनाए, आप केवल स्वास्तिक बना सकते हैं। गणेश जी का नाम लेकर शुरुआत कर सकते हैं और उसमें 5 बड़कुले बनाना जरूरी है। इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, ये होलिका माता होती हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को बनाया जाता है और उसके बाद फिर आप कभी भी जब भी टाइम मिले तो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी बनाइए तो 5 बड़कुले बनाइए और उसको टीका करिए, फूल चढ़ाइए और जनेऊ चढ़ाकर आप उसकी पूजा कर लीजिए। फिर उसके बाद आप और बाकी जो नारियल है, नारियल बनाने के लिए आप 2 दिया लीजिए, उसमें कंकड़ या सुपारी रख लीजिए, उसके ऊपर आप गोबर से बंद कर दीजिए। तो ये आपका नारियल बन जाएगा होलिका दहन में पूजा के लिए। और आप वीडियो देख के आप इसी तरह से सारी चीज़ें बना सकते हैं। चांद है और सूरज, ढाल, इस तरह से आप सभी चीज़ें बना सकते हैं। और जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं उसमें बीच में होल ज़रूर कर दीजिए माला में पिरोने के लिए। तो मुझे तो गोबर नहीं मिला, तो मैंने ये वीडियो मंगाया है, मेरी नंद ने बनाया था तो उन्हीं से ये वीडियो मैंने मंगाया था। और आजकल तो ऑनलाइन भी और मार्केट में भी मिल जाते हैं, तो अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। ये मालाएं बनी हुई मिल जाती हैं मार्केट में। तो अब बात आती है कि कितने ढाल बड़कुले बनाने चाहिए। तो इसमें 1 नारियल बनाया जाता है और 1 सुपारी और 1 पान बनाया जाता है। इसके अलावा आप खिलौने और बड़कुले जितने भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। और इनकी माला बनाकर होलिका माता को चढ़ाया जाता है। तो ये आपको बना हुआ चांद और ढाल, तलवार, ये होलिका माता बनी हुई दिख रही हैं, आप इसी तरह से बना सकते हैं। और हर एक माला में 1 ढाल पिरोई जाती है और बाकी के इसमें बड़कुले डाले जाते हैं। तो आप 11, 21, 51, 7 भी कर सकते हैं, जितना भी आपको करना है। ये आपके घर के सदस्यों के अनुसार ही माला के लिए ढाल बनाई जाती है। जैसे कि आपके यहाँ 7 सदस्य हैं तो आप 7 ढाल बनाइए और बाकी बड़कुले। तो हर एक माला में बीच में ढाल होगी और दोनों साइड में
बड़कुले आप जितने भी पिरोना चाहें उतने पिरो सकते हैं। और इसको बनाने से पहले आप एक पन्नी या फिर प्लास्टिक की बोरी बिछा लीजिए, उसके ऊपर ही बनाइएगा, क्योंकि इसको उठाने में फिर ये टूट भी सकते हैं, और अगर इन पे बनाओगे तो ये आराम से उठ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने आपको बड़कुले बनाने की और उसको कितना बनाए कैसे बनाए सारी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।